भारत में समुद्री जल स्तर की ऊंचाई पिछले 50 सालों में 8.5 सेंटीमीटर तक बढ़ गई है। प्रतिवर्ष यह 1.7 मिलीमीटर की गति से बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ने एक प्रश्न के जवाब में यह आंकड़ा राज्यसभा में पेश किया। संसद में पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने 10 बड़े बंदरगाहों के आंकड़ों के आधार पर यह जवाब दिया। वैश्विक डेटा से यदि भारतीय समुद्र जल स्तर बढ़ने की तुलना की जाए तो समुद्र तटों की ऊंचाई में वृद्धि वैश्विक तुलना में आधी गति से हो रही है। संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन पर काम करने वाली पैनल रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर के समुद्र का जल स्तर औसतन 3.6 मिलीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री के द्वारा राज्यसभा में दिए गए डेटा के अनुसार जिन 10 बंदरगाहों का डेटा लिया गया है उनमें पश्चिम बंगाल का डायमंड हार्बर समुद्र तट का स्तर सबसे तेजी से बढ़ रहा है। डायमंड हार्बर के बाद प्रतिवर्ष कांडला जिसका स्तर 5.16 मिलीमीटर के साथ, उसके बाद फिर बंगाल के हल्दिया 2.8 मिलीमीटर के साथ, पोर्ट ब्लेयर 2.2 मिलीमीटर और गुजरात का ओखा 1.5 मिलीमीटर के साथ सबसे तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि इन सभी बंदरगाहों से यह डेटा एक साथ एक ही वक्त या परिस्थिति में नहीं लिए गए हैं, इसलिए इनकी एक ही संदर्भ में तुलना नहीं की जा सकती। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि तुलना से इतर 28 से 128 साल के समय की अवधि में समुद्र का जल स्तर बढ़ने को लेकर सामान्य समझ जरूर विकसित की जा सकती है। समुद्र के जल स्तर बढ़ने पर केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि भारतीय तट पर समुद्र के जल स्तर में हर साल औसतन 1.70 मिलीमीटर की वृद्धि होती है। मोटे तौर पर इसे समझ सकते हैं कि बीते 50 साल में भारतीय तट पर समुद्र के जल स्तर में 8.5 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि समुद्री जल स्तर में वृद्धि से सुनामी, तूफान, तटीय बाढ़ और तट क्षेत्र के क्षरण के दौरान निचले इलाकों के डूब जाने का खतरा बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि समुद्री जल स्तर में वृद्धि का असर तटीय इलाकों पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे तटीय क्षेत्रों को डूबने से बचाने के लिए खास पहल करने की जरूरत है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।